इस बीच नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद को नई नीति के साथ एक नया प्रयास कहा। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं व सपनों का प्रतिबिंब है। वहीं केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर को देश के लिए ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर नए संसद भवन में न्याय के प्रतीक सेंगोल को स्थापित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उज्जवल भविष्य के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक हर्षित, उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री सहित देशवासियों को बधाई दी है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नए संसद भवन के उद्घाटन को देश के लिए गौरवान्वित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। आज तक जो भारत का संसद भवन है वो इंग्लिश पीरियड में बना हुआ भवन है जिसमें हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों चलते आए। आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब हमने और अपना संसद भवन और अपने तरीके से बनाया है। ये बहुत बड़े गौरव का विषय है और इसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना शानदार संसद भवन जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं और टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों के साथ सुसज्जित वो जो भवन है हमारे सांसदों को कार्य करने के लिए और अपनी वार्ता रखने के लिए एक अति उपयुक्त स्थान उन्होंने उसका निर्माण किया।